एवरीवन, दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग से शेयर करूंगी कि दूध से कैसे पनीर बनाया जाता है और वो भी नींबू के रस से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, गाय का दूध लिया है, ये 2 लीटर है, ताज़ा दूध है गाय का। उसके बाद मैं इसे क्या करूँगी, इस तरीके से चलाते हुए एक उबाल आने तक वेट करूँगी इसमें। जब एक उबाल आ जाएगा तो इसे हम चलाना छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक उबाल आ चुका है। और अब मैं क्या करूँगी, आधी नींबू ले रही हूँ, इसे मैंने काट लिया था चाकू से। उसके बाद मैं इसे निचोड़ रही हूँ, इसमें निचोड़ देंगे इसका रस पूरा। और उसके बाद हम इसे इस तरीके से चला लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नींबू को निचोड़ते ही ये फटने लगा है हमारा दूध, और ये छाली नहीं पड़ने देंगे हम इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे मतलब क्या कहते हैं 5 मिनट तक और उबलने दूंगी इसे, ताकि इसमें जो भी दूध होगा वो फट जाए आराम से और इसका जो पानी है वो अलग हो जाए। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट और उबलने दिया है। तो ये दिन फट चुका है अच्छे से और ये पनीर बनने के लिए तैयार हो गया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसे ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद एक बर्तन लिया है गहरा सा, उसके ऊपर सूती कपड़ा लीजिए या फिर कोई दुपट्टा जालीदार लीजिए और उसके ऊपर ये हम डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा से ये फट के तैयार हुआ है, बिल्कुल दही की तरह लग रहा है ये। उसके बाद हम इसे इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हम दुपट्टे को पकड़ लेंगे चारों साइड से, पानी जो है इसका अंदर चले जाएगा और ये जो बचा हुआ पनीर जो बनेगा जिसका ये आ जाएगा। और इसे हम जितना हो सके उतना हम इसमें से हाथ की सहायता से पानी निकाल देंगे, जितना दम है उतना। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसे जितना हो सका उतना मैंने इसे निकाल दिया है पानी। और अब मैं क्या करूँगी, इसे इस तरीके से रख करके इसके ऊपर कोई भारी सा बर्तन डाल देंगे या फिर उस ये मैंने मसाला पीसने वाला लोढ़ी जो होता है वो डाल दिया इसके ऊपर। और 20 मिनट तक मैंने इसे इसी तरीके से छोड़ दिया। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, 20 मिनट के बाद ये दुपट्टा खोल के देख रही हूँ कि पनीर हमारा बन के तैयार हुआ या नहीं, जमा या नहीं। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं दुपट्टे खोल लिया है। और अब कपड़े खोलने के बाद मैं यहाँ पे देख सकते हैं पनीर जो है हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। और ये पनीर जो घर का पनीर होता है ना, गाय का दूध का पनीर, वो पनीर दुकान वाले पनीर को फेल कर देता है। इतना अच्छा नहीं लगता है दुकान वाला पनीर खाने में, मार्केट वाला जितना अच्छा ये पनीर लगता है हमको खाने में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे निकाल लिया है और ये हमारा पनीर जो है बन के तैयार हो गया है। इसे आप चाहे तो अभी भी बना सकते हैं या फिर फ्रिज में रख के जब मन हो तब इसे बना सकते हैं 15 दिनों तक। तो पनीर हमारा बन के तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।